हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि आपका कॉन्स्ट्रक्शन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं चीज़ी पैनकेक। बहुत ही जल्दी बनने वाला स्नैक है ये और बहुत ही यमी होता है खाने में। बच्चों के लिए टिफिन का ये स्नैक बहुत ही जल्दी बना सकते हैं आप और फटाफट बच्चों को नई सी डिश बना के खुश कर सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ले ली है। इसमें हमें लाएंगे थोड़े से कटे हुए बारीक प्याज, बारीक शिमला मिर्च, थोड़ी सी शिमला मिर्च और मिलाते हैं, थोड़ा सा धनिया मिला रही हूं मैं यहाँ पे, थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर मिला रही हूं, और यहाँ पे मैं मिला रही हूं 2 चम्मच पिज्जा सॉस। पिज्जा जो पिज्जा का हम टॉपिंग बनाते हैं उसका जो सॉस बनाते हैं वो मैंने बना के रखा हुआ है, आपके साथ भी मैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। वो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मिलाया है। थोड़ा सा ऑरेगेनो मिक्स हर्ब्स और ऑरेगेनो मिला रही हूँ यहाँ पे, थोड़े से चिली फ्लेक्स मिला रही हूँ, और यहाँ पे अब मिलाऊंगी मैं थोड़ा सा नमक। इसमें हम मिलाएंगे 3 चम्मच के करीब दही जिससे कि ये बैटर बन जाए अच्छा सा इसमें, और जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए और जब हम चीज पैनकेक बनाएं तो हमारी सूजी में बहुत ही खट्टा सा यमी सा टेस्ट आए। इसके लिए हमने यहाँ पे 3 चम्मच दही मिलाया है और मैं यहाँ पे मिला रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार मिलाइए। थोड़ी सी हल्दी मिला रही हूँ कलर के लिए। इन सबको मिक्स कर लेंगे। ये ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे जिससे कि ये बैटर थोड़ा सा मीडियम कंसिस्टेंसी का बन जाए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 गिलास के करीब पानी मिलाया है। आप सूजी कम ज़्यादा करें तो उस हिसाब से पानी का मेजरमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 गिलास पानी पूरा मिला दिया है। इसे मिक्स करके हम 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे जिससे कि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए बैटर में और हमारा बैटर तैयार हो जाए। 10-15 मिनट में ये स्नैक आपका तैयार हो जाएगा। आपको बस इसमें 10 मिनट का वेट करना है जब तक कि सूजी फूल नहीं जाती, उतने इसे आप इसे ढक के रख दें। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम बनाना पैनकेक बनाते हैं जल्दी से। थोड़ा सा बटर या तेल लेके आप इस तरह से पैन में फैला दें, उसके बाद एक एक इस तरह से पैनकेक की शेप में छोटे छोटे पैनकेक बना लें। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें, अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाएंगे और आपके चीज़ पैनकेक में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह से ये सिक गए हैं। आपको इसे ढक के सिजाना है, मतलब पकाना है जिससे कि ये अच्छे से पक जाए, सूजी अच्छे से पक जाए। यहाँ पे हम एक चीज़ का स्लाइस पे लगा रहे हैं और उसकी दूसरी कोटिंग कर रहे हैं सूजी के बैटर से, इस तरह से पैनकेक के बैटर से। पूरी तरह से फैला दीजिए इस तरह से और मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दीजिए। जब ये ऊपर से भी पक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे दोनों तरफ से पका लेना है अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ही।
आप फ्लेम का बिल्कुल ध्यान रखें, मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बहुत ही यमी बनेंगे, और अगर आपने हाई फ्लेम कर दी तो ये बहुत जल्दी जल जाएंगे। तो आप इसे ध्यान रखें, मीडियम फ्लेम पे ही पूरा इसे बनाएं, बहुत ही यमी बनते हैं, बहुत ही चीज़ी बनते हैं ये पैनकेक्स, और फटाफट भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। इस तरह से हम दूसरा बना लेते हैं पैनकेक, सेम प्रोसेस, थोड़ा सा बैटर लेके उसे पैन में इस तरह से फैला देना है, मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। फिर जब एक साइड पक जाए तो उसे इस तरह से पलट देना है। बच्चों को कुछ जल्दी इसे बनाना है आपको, तो उसके लिए ये स्नैक्स बहुत ही अच्छे हैं, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होते और ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते, तो बच्चों के लिए ये बहुत ही यमी लगते हैं उनको। आप जल्दी से ये बना सकते हैं और किसी को भी बना के खुश कर सकते हैं। तो आप भी इसे बनाइए और अपने यूज़र कमेंट्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।